सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। हम अपनी डेली लाइफ में कई अजीब चीजें देखते हैं लेकिन उन्हें जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अपने बचपन के दिनों में ऊपर से जाते हवाई जहाज को देख टाटा टाटा जरूर किया है और जहाज के गुजरने के बाद पीछे रह गई सफेद लकीर के बारे में भी खूब अनुमान लगाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज और रॉकेट के पीछे क्यों बनती हैं सफेद लकीर? अगर आपका जवाब ना है तो चलिए जान लेते हैं। जी हाँ, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक आसमान में बनने वाली इस सफ़ेद लकीर को कंट्रेल्स कहते हैं। जी हाँ, कंट्रेल्स भी बादल ही होते हैं लेकिन वह आम बादलों की तरह नहीं बनते। ये हवाई जहाज़ या रॉकेट से बनते हैं और काफ़ी ऊंचाई पर बनते हैं। जी हाँ, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़मीन से करीब 8 किलोमीटर ऊपर और 40 डिग्री सेल्सियस में इस तरह के बादल बनते हैं। हवाई जहाज या रॉकेट के एग्जॉस्ट फैन से एरोसोल्स एक तरह का धुआं निकलता है। जब आसमान की नमी इन एरोसोल्स के साथ जम जाती है तो कंट्रेल्स बनते हैं। कंट्रेल्स सबसे पहले साल 1920 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देखे गए थे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।